मित्रों जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जान सने है सभी। प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर अपने हृदय से लगाकर समझा रहे थे या समझाया, तो मांगहूं विदा माँ तू सन जाई, आवहूं बेगी चलहूं बन भाई। मुदिति भय सुन रघुबर बानी, अभयउला भी बढ़ गई बढ़ियानी। मांगो विदा मा तू सर जाई। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, अब जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो साथ में। मुदित भय सुन रघुबर वाणी, भय उलाभ बढ़ गई बड़ी हानि। श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई ऐसा समझकर और बड़ा लाभ हुआ, अपनी माता सुमित्रा के महल में चले गए। तो हर्षित हृदय मातु पहियाए, अमनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायहु माथा, अमनु रघुनंदन जानकी साथा। वे बड़े प्रसन्न चित्त से माता सुमित्रा जी के पास आए और मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। तो पूछे मातु मलिन मन देखी, अलखन कही सब कथा विशेखी। गई सहा में सुनी बचन कठोरा, अमृगी देखी दव जनु चहुरा। माता ने उदास मन देकर लक्ष्मण जी का उनसे पूछा कि बेटा क्या कारण है, उदास क्यों हो। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई माता सुमित्रा को, और सुमित्रा जी ने जैसे उस कठोर वचन को सुना ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। वो स्थिति वो दशा को सुमित्रा की हो गई। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, प्रेम बस काम बिगाड़ देगी मेरी माँ। इसलिए वे मांगत विदा सभय सकुचाही, विदा मांगते समय संकोच कर रहे हैं और जाई संग विद कहा है कि नाही। और मन ही मन सोचते हैं लक्ष्मण जी कि हे विधाता, माता साथ जाने के लिए आज्ञा देगी या नहीं। तो समुझी सुमित्रा राम सिया रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेह लख धुने सिरु पापिन दीन कुदाऊ। प्यारे लक्ष्मण जी के इस तरह के वचन को सुनकर सुमित्रा जी कहती हैं कि श्री राम जी और सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाकर बैठी थी। धरेव धीरज धरेव कुअवसर जानी, असहज सुहृद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारी मातु वै देही, पिता राम सब भात सरिही। पर तो कुसमय जानकर धैर्य धारण किया कौशल्या ने, और स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे तात तात तुम्हारी मातु वै देही, हे तात लक्ष्मण
जानकी जी तुम्हारी माता है और पिता राम शवभांत सनेही और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। तो अवध तहा जहा राम निवासु अतः दिवसु जह भानु प्रकाशु जव पयसीय राम बन जाही अवध तुम्हार काजु कछु नाही। माता सुमित्रा कहने लगी, हे पुत्र लक्ष्मण, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही तुम्हारे लिए अयोध्या है और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो हे ता तुम अयोध्या तुम्हारा अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तुम अवश्य उनके साथ जाओ। तो गुरु पितु मात बंधु सुर साई ओसे है सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के अश्वारथ रहित सखा सबही के। हे पुत्र लक्ष्मण, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, तुम्हारे हृदय के जीवन भी हैं वो और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मान ही राम के नाते अस जिय जान संग बन जाही अस जिय जान संग बन जाहू और लेहु तात जग जीवन लाहू। हे पुत्र, इस संसार में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय है परम प्रिय है मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हृदय में ऐसा विचार कर हे पुत्र लक्ष्मण उनके साथ तुम वन को अवश्य जाओ और संसार में जीने का लाभ उठाओ। धन्य माँ माँ हो तो वैसी भूरि भाग भाजन भय मोहि समेत बलि जाऊ जाओ तुम्हारे मन छाड़ छलु की राम पद छाऊ। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़ी ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तो पुत्रवती जुवे ती जग सोई रघुपति भगत जास सोती होई ना तरु बांझ भली बादी बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। हे तात, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वह तो बांझी अच्छी पशु की भांति उसका बच्चा पैदा करना पुत्र पैदा करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम वन जाही और दूसर हेतु तात कछु नाही तुम्हारे ही भाग से श्री राम जीवन को आज जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है बन जाने का। सकल सुकृत कर बड़ा फल एहू और राम श्री पद सहज सनेहू। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल आज यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक तुम्हारा प्रेम हो। तो राग रोष ईर्षा मदि मोहू अजने सपने हूँ इन्हीं के बस हो सकल प्रकार विकार बिहाई अमन क्रम बचन करहूं सेवकाई। माँ सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को समझा रही है, पुत्र राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना तुम। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना, उन्हीं की सेवा करने से तुम्हारा कल्याण है, तुमको लाभ है। तुम्हें कहूं बने सब भांति सुपाशु
असंग पीतु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बनो लहि कलेशु, असुत सोई करे हूँ इहै उपदेशु। तुम कहु वन सब भांति सुपासु, तुमको वन में सब प्रकार से आराम ही आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। संग पितु मातु राम सिय जासु, जिसके साथ राम और सीता जी से माता और पिता हैं, तुमको हर तरह से तुम्हारा कल्याण ही होगा। जय हिन्द राम बन लहाहि कलेशु, सुत सोई करहु इहै उपदेशु। हे लक्ष्मण, तुम वही काम करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावे, कष्ट न पावे, मेरा यही उपदेश है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम राधे राधे।